अभी मैं होंडा फाइनेंस को राइड कर रहा था और मुझे यहाँ पे i20 एन लाइन दिखाई दे रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटोनॉमिक्स। Hyundai i20 एक ऐसी कार है जिसे किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कार पिछले 13 सालों से इंडियन मार्केट में आ रही है और प्रीवियस ईयर 2020 में इसका लेटेस्ट जेन यानी थर्ड जनरेशन मॉडल को भी लॉन्च कर दिया गया है। और एक बार फिर नया साल शुरू होता ही Hyundai फिर से अपडेट्स पे आ गई है, क्योंकि Hyundai अब प्लान कर रही है i20 सीरीज की एन लाइन को इंडिया में लॉन्च करने का। और ये चीज काफी टाइम से न्यूज में चल रही थी, बट मैंने इस चीज को कंफर्म किया जब मैं होंडा हाइनेस की राइड कर रहा था, तब मैंने i20 की एन लाइन को स्पॉट कर लिया टेस्टिंग में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी i20 एन लाइन के बारे में कि ये एन लाइन क्या है, इसमें आपको क्या नया मिलता है और ये कार कब तक लॉन्च होने जा रही है, क्या इसका प्राइस होने वाला है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो मेरा नाम है फराज और चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं Hyundai i20 एन लाइन के बारे में। ये एक हाईली कैमोफ्लाज वर्जन था जिसको मैंने दिल्ली टू गुड़गांव जाते हुए रोड पर स्पॉट किया था और तकरीबन 15 मिनट तक मैं इस कार के पीछे ही था ताकि मैं आप लोग को इसके एक्सटीरियर्स और इंटीरियर्स के बारे में डिटेल में बता सकूं। लेकिन उसको दिखाने से पहले जो लोग नहीं जानते कि ये Hyundai की N लाइन सीरीज क्या है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बता देता हूं। तो पहली चीज ये है कि ये कार अभी फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट्स में ही अवेलेबल है और ये N लाइन नाम उन कार्स को दिया जाता है जो परफॉर्मेंस बेस्ड कार होती है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से BMW में M सीरीज होती है, स्कोडा में RS सीरीज होती है, बिल्कुल उसी तरीके से Hyundai की भी एक N सीरीज है जिसमें Hyundai की i20 भी एक मॉडल है जो यूरोपियन मार्केट में काफी पॉपुलर है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस N सीरीज वाली कार में नॉर्मल i20 से क्या फर्क है, क्या अलग मिल जाता है, तो इसमें आपको ज्यादा पावर मिल जाती है, बेटर ड्राइविंग डायनेमिक्स मिल जाते हैं और डिफरेंट डिजाइन लैंग्वेज भी मिल जाती है। वैसे तो ये नॉर्मल i20 ही होती है, बट जो स्टैंडर्ड i20 होती है ये कार उससे ज्यादा स्पोर्टियर होती है। अब ये स्पोर्टियर की क्या डेफिनेशन है, ये कार देखने में काफ़ी अलग होती है जिसमें आपको डिफरेंट बॉडी पैनल्स, एग्रेसिव एलिमेंट्स मिलते हैं जिससे ये कार और भी अपीलिंग लगने लगती है। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि इंडिया में लोग जब i20 और स्विफ्ट जैसी कार को खरीदते हैं और फिर उसमें पैसा लगा के उसको मॉडिफाई कराते हैं ताकि वो कार और भी ज़्यादा स्पोर्टियर बन जाए। लेकिन अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाना चाहूँ कि एन लाइन सीरीज का क्या मतलब है, तो आप ये समझ लीजिए कि जब ये एन लाइन सीरीज इंडिया में आ जाएगी तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा लगा के इसको मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये कार एक ऑलरेडी मॉडिफाइड i20 है। लेकिन इंडिया में आने के बाद इस i20 N लाइन का क्या प्राइस होगा, क्या इंजन स्पेसिफिकेशंस होगी, क्या नई चीजें आपको मिलेंगी, उस पर भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको फुटेज दिखा देता हूं जब मैंने इसको स्पॉट किया था। तो वैसे तो ये हाईली कैमोफ्लाज वर्जन काफी ट्रैफिक में था जब मैं इसको चेस कर रहा था, बट स्टिल मैंने कुछ चीजें स्पॉट करी, जैसे इसका जो डोर हैंडल था वो काफी अलग नजर आ रहा था और साथ ही साथ उसकी जो फिनिश थी वो मैट फिनिश थी और उसमें इंटरनेशनल मॉडल की तरह कोई भी स्पॉइलर अटैच नहीं था, बट के जो एलॉय व्हील्स थे वो स्टैंडर्ड i20 से मिल तो रहे थे बट करंट मॉडल की तरह शाइनी या डुअल टोन नहीं थे, बल्कि वो आपको मैट फिनिश में मिल रहे थे। बाकी इसके जो ग्रिल्स एंड हेडलाइट्स थी वो भी मुझे काफी चेंज नहीं नजर आई, बाकी चीजें जो मुझे दिख रही थी वो उसके स्टैंडर्ड मॉडल की तरह ही थी, जैसे इसका रियर डिजाइन बंपर, शार्क फिन एंटेना एंड साइड व्यू मिरर, बट इसके अलावा मुझे कोई भी मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले। बाकी अगर मैं इस टेस्टिंग मॉडल को इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन मॉडल से कंपेयर करूं तो इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन मॉडल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई देखने को मिल जाती हैं, जैसे ड्यूअल एग्जॉस्ट मफलर, डिफरेंट स्टाइल बम्पर, न्यू फ्रंट व्हील्स एंड मशीन कट अलॉय व्हील्स, और रियर में आपको एन लाइन बैजिंग भी मिल जाती है। बट ये एक प्रोटोटाइप वर्जन था जिसको हो सकता है कि बाद में इसमें वो चीज़ें ऐड कर दी जाएं, या हो सकता है कि सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज करके ही इसके अंदर मैकेनिकल चेंज करके इसको लॉन्च कर दिया जाए। बट अगर मैं बात करूं इस कार के इंटीरियर्स की, तो मुझे जितना दिखाई दिया वो मुझे ब्लैक कलर के ही इंटीरियर्स दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपको इंटरनेशनल मॉडल में मिलते हैं, बट स्टिल उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रखी थी इसलिए मुझे इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिखाई दिया और क्लाइमेट कंट्रोल और AC वेंट्स भी नहीं दिखाई दे रही थी, तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूं, बट स्टिल मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको इंटरनेशनल मॉडल में किस तरीके से इंटीरियर्स मिल जाते हैं इस N लाइन सीरीज के। सो N लाइन के एक्सटीरियर की तरह ही इसके इंटीरियर भी काफ़ी स्पोर्टी फील देते हैं, क्योंकि इसमें आपको ऑल ब्लैक लेदर अपोल्स्ट्री मिल जाती है और रेड कलर की लाइनिंग मिल जाती है, रेड कलर के एलिमेंट्स मिल जाते हैं जिससे ये कार और भी स्पोर्टी बन जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपको किया मोटर्स की GT लाइन कार्स में मिलते हैं। बाकी अंदर से कई जगह इसमें आपको N लाइन की बैजिंग भी मिल सकती है। तो ये तो हो गई इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात, लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए i20 N लाइन जानी जाती है,
वो है इसका इंजन। केस में आपको कौन सा इंजन मिलने वाला है, क्या पावर फिगर्स मिलने वाली है, आइए जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सो उम्मीद की जा रही है कि इस कार में भी आपको इंटरनेशनल मॉडल की तरह 1 लीटर पेट्रोल एंड टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से तो इसमें आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड 1.6 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है जो 201 bhp की पावर एंड 275 nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसकी पावर का तो कोई जवाब ही नहीं होगा, बट अभी तक इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार i20 N लाइन में 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम ऐड कर दिया जाएगा, जिससे एफिशिएंसी और भी इंप्रूव हो जाएगी। बट कंफर्म तो आपको लॉन्च पर ही पता चल जाएगा कि ये कार में क्या ऐड किया गया है और क्या चीजें हटा दी गई हैं। अब आता है वो सवाल कि ये कार इंडिया में कब तक लॉन्च की जाएगी और इसका क्या प्राइस होने वाला है। तो उसके लिए मैं आपको ये बता देता हूं कि ये कार स्टैंडर्ड कार से काफी महंगी होने वाली है, जो तकरीबन 12 लाख के करीब होगी, और इंडियन मार्केट के हिसाब से, इंडियन ऑडियंस के हिसाब से ये 12 लाख का अमाउंट किसी हैचबैक के लिए कम नहीं है। बट ये महंगी इसलिए होगी क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा बेटर लुक्स मिल जाते हैं, बेटर सस्पेंशन, बेटर डायनेमिक्स मिल जाती हैं, और साथ ही साथ आपको ब्रेकिंग सेटअप भी अच्छा दिया जाएगा और पावर फिगर्स भी ज़्यादा हैं, और आपको हो सकता है कि इसमें एग्जॉस्ट साउंड भी अलग दे दी जाए, तो जिसकी वजह से इसका प्राइस तो इंक्रीज हो जाएगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये एन लाइन सीरीज यंगस्टर्स एंड ऑटो एंथुसियास्ट को काफी पसंद आएगी, जिन्हें एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार चाहिए, जिन्हें i20 भी काफी पसंद आती है और वो इसका इंतजार भी करेंगे। बट आपका क्या कहना है ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली बात करते हैं कि ये कार इंडिया में कब तक लॉन्च की जाएगी। तो ये आपको मिड 2021 यानी जून से जुलाई के बीच में लॉन्च कर दी जाएगी, लेकिन अगर इसको Hyundai डिले कर देता है तो फिर ये फेस्टिव सीजन यानी दिवाली के आसपास इंडिया में लॉन्च की जाएगी। सो बस यही था आज की वीडियो में, जिसमें मैंने आपको अपडेट देनी थी Hyundai की एन लाइन सीरीज के बारे में। सो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसी तरह की न्यूज रिव्यूज कंपैरिजन के साथ जुड़े रहने के लिए एक बटन दबा के मोटोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और अगर वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक एंड शेयर करने में क्या बुराई है, एक ही बटन दबाना है। सो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक फ्रेश कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।